हाय दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल IHF by जावेद खान में। दोस्तों आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आपके लिए ज्यादा से ज्यादा यूजफुल हो सके। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे उसका नाम है सेक्शन एंड पार्टिंग्स, जो आप अपने हेयर कट के दौरान बहुत सारी बार यूज करते हो, बट नॉर्मली लोगों को दो या तीन सेक्शन ही पार्टिंग्स पता होते हैं। तो इसलिए आज का मैंने ये टॉपिक चुना है ताकि मैं आपको एक बेसिक सेक्शन एंड पार्टिंग्स से इंट्रोड्यूस करा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप बोर्ड पे देख सकते हैं मैंने कुछ सेक्शंस बना रखे हैं और यही सेक्शन काफी टाइम से लोग बेसिक कोर्स में पढ़ा रहे हैं और जिसके लिए आप अमूमन आपसे बहुत सारा पैसा ले लिया जाता है, एंड प्लस लोगों को सेक्शन एंड पार्टिंग्स के नाम तक भी क्लियर नहीं होते। तो पहला सेक्शन प्रोफाइल सेक्शन, जिसको हम बोले सेंटर ऑफ द फोरहेड, माथे के बीच से जो हम सेक्शन लेते हैं या सेंटर पार्टिंग से, और सेंटर ऑफ द नेप तक, मतलब के यहां से शुरू करके सेंटर ऑफ द नेप तक जो सेक्शन लेते हैं उसको हम प्रोफाइल सेक्शन बोलते हैं। फिर दूसरा सेक्शन आता है रेडियल, जो एक कान से दूसरे कान तक की ओर जो भी सेक्शन हम लेते हैं उसको हम रेडियल बोलते हैं। कुछ लोग इसको ईयर टू ईयर भी बोलते हैं, जो कि ऐसा दिखता है साइड से। प्रोफाइल और ईयर टू ईयर को जब हम मिला देते हैं तो सेक्शन कुछ ऐसा दिखता है, जिसको हम बोलते हैं बेसिक फोर सेक्शन, 1, 2, 3, 4। सर को चार भागों में विभाजित करने को हम बेसिक फोर सेक्शन बोलते हैं, और इसी बेसिक के लिए हम बहुत सारे पैसे देते हैं। इसके आगे के जो सेक्शंस हैं उससे भी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, सो स्टे ट्यून्ड। दोस्तों पहला सेक्शन प्रोफाइल, दूसरा सेक्शन ईयर टू ईयर, और तीसरा सेक्शन हमारा हॉर्सशू सेक्शन होता है, जो बेसिकली अगर मैं फ्रंट से देखूं तो सेंटर ऑफ द आईब्रो से ये सेक्शन बनना शुरू होता है, एंड देन अगर पीछे से देखूं टॉप क्राउन, ये एक घोड़े के नाल के आकार का एक सेक्शन होता है जो कि आप सेंटर ऑफ द आईब्रो से लेते हो और पीछे टॉप ऑफ द क्राउन तक मिला देते हो। ये सेक्शन बहुत सारे अच्छे हेयरकट्स में यूज करा जाता है। देन हमारा सेक्शन आता है डायगोनल फॉरवर्ड। डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन अगर मैं पीछे से देखूं तो जो भी हमारा नेप एरिया होता है, हम पहले सेक्शन जो भी ए के आकार का जो मेरा सेक्शन निकलता है वो डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन कहलाता है, और अगर मैं इसे साइड से देखूंगा तो ये सेक्शन बेसिकली मेरा ऐसे आपको दिखाई देगा। देन हमारा एक सेक्शन आता है डायगोनल बैक। डायगोनल बैक बेसिकली आप अगर आप देखोगे ये वाला सेक्शन हमारा ऐसा कुछ दिखाई देता है, और मोस्टली अगर आगे से देखूंगा तो ये सेक्शन हमारा ऐसे दिखाई देता है, और ये सेक्शन हमारा फॉरवर्ड ग्रेजुएशन में बहुत ज्यादा चलता है। तो दोस्तों जो हमारा छठा सेक्शन है उसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल सेक्शन जो आपका बिल्कुल सीधा सेक्शन निकालते हैं हम, अगर मैं यहाँ पे समझाऊं तो जो भी सेक्शन हम ऐसे जो सीधी लाइन की तरह निकालते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे ट्रेंडी हेयर कट्स में यूज होते हैं, और साइड से अगर हम देखेंगे तो ये हमें कुछ ऐसा नजर आता है हॉरिजॉन्टल। देन हमारा वर्टिकल सेक्शन, वर्टिकल सेक्शन भी हम बहुत सारे एडवांस हेयर कट में यूज करते हैं, जो हमें दिखाई देता है ऐसे, इसको वर्टिकल सेक्शंस बोलते हैं, और साइड में से अगर हम देखेंगे तो हमें ये ऐसा दिखाई देगा। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और सेक्शन है जिसको हम बोलते हैं पिवोटिंग पॉइंट। वो पॉइंट हेड के सेंटर में जो एक पॉइंट क्रिएट होता है जब आप भी सेक्शन निकालते हो उसको हम पिवोटिंग पॉइंट बोलते हैं। बहुत काम का और बहुत कमाल का पॉइंट है। और अगर मैं देखूं चार सेक्शन अगर आप निकालो हेड के, प्रोफाइल और ईयर टू ईयर, जब चार भागों में विभाजित होता है तो ये जो सेंटर पॉइंट है इसको बोलते हैं आपका पिवोटिंग पॉइंट, जो कि आज की लेटेस्ट टेक्नोलॉजी में यूज किया जाता है फॉर द ट्रेंडी हेयर कट्स। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि अब हमने देखा अब हमारे पास कितने सेक्शन हो गए हैं, 8 सेक्शन। तो पहला सेक्शन प्रोफाइल, दूसरा सेक्शन रेडियल या ईयर टू ईयर, तीसरा सेक्शन हॉर्सशू, चौथा सेक्शन हमारा डायगोनल फॉरवर्ड, डायगोनल बैक, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंड पिवोटिंग पॉइंट। जैसा कि आपने देखा दोस्तों अब हमारे सेक्शन 4 से हो गए हैं 8। तो प्लीज इन सेक्शंस का नाम याद कर लीजिएगा।
आपके बहुत काम आएंगे। और इन सेक्शंस को मैं यूज करना भी सिखाऊंगा। वेट कीजिए मेरे नेक्स्ट वीडियो का। आप ऑल्सो कमेंट कर सकते हैं कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, या आप और आगे क्या सीखना या देखना चाहते हैं। जानने के लिए करना क्या है, सब्सक्राइब माय चैनल IHF बाय जावेद खान। शुभ रात्रि, सब्बा खैर, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, क्योंकि जिस टाइम भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, आपको ये वीडियो उसी तरीके से विश कर रहा हूं मैं। तो प्लीज इसको थोड़ा सा जूम कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी जिनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, इसको वो ठीक से रीड आउट कर सके। सो लव यू गाइस।